ये जो है हमारी रेहड़ियाँ छुपी हुई हैं और जो भी रेहड़ी लेकर आता है मेरा सफाई कर्मचारी ये कहते हैं कि दो राड़े लेके आया, तो जो दो राड़े यहाँ लेके आएगा 10 रुपये या 20 रुपये 50 रुपये रक्षा के दे रहा है यहाँ ले आने के लिए, तो क्या अपने एरिया में और रेहड़ी ठीक नहीं करा सकता, अपने एरिया में रेहड़ी ठीक करा सकता है, तो 50 रुपये बेचारे रेहड़ी रक्षे का किराया दे के यहाँ लेके आते हैं, और जब यहाँ लेके आते हैं वो कहते दो राड़े अपने मूल लेके आओ, और जो रेहड़ियाँ मूल लेके आएगा या मतलब कि राड़े मूल लेके आएगा तो यहाँ से जो है हमारे पास चदरें नहीं है, वो क्या करते हैं पुरानी चदरें जो जली हुई हैं उनको ठोक फाड़ के मतलब कि इसको लगा देते हैं, और 3 महीने के बाद फिर वो बेचारा लेके आते हैं, तो मेरा सफाई कर्मचारी सारा परेशान है, तो जो शहरदार हैं कहते हैं काम नहीं हो रहा, जो सामान नहीं है तो काम कहाँ से हो, सामान ही नहीं है यहाँ, ना कोई चदरें आती हैं ना यहाँ चदरें आती हैं ना यहाँ राड़े आती हैं, तो मेरा सभी कर्मचारी परेशान है दुखी है, तो इस कारण जो है हमने यहाँ से प्रदर्शन किया जी। कल मैं गया था रेहड़ियों के लिए, मेरे साथ एक भाई होता राज्य प्रधान है अपना सेवाराम जी, मैं जनाब रेहड़ियाँ सोचो कहे तेरा काम नहीं है, तेरा काम नहीं है वो मेरा काम है, मगर मेरा काम क्यों, मैं प्रधान हूँ क्या, नहीं मैं देखूंगा तेरे ड्यूटी नहीं आयो, मैं कहा ऐसा है मैंने सफाई कर्मचारी का बेटा, मैंने सफाई कर्मचारी अब भी हूँ, मैं सफाई कर्मचारी कार्य करता हूँ अभी, मैं कहा मेरे को बता मैंने सेलेक्ट करनी है रेडी कौन सी चलानी है नहीं चलानी है, उसने फिर क्या करा उसके बाद लेन देन आ रहे हुए थे, वो कहे बैठे मिस्त्री आने लेनी है तैयार बेचने आने मेरे पास ठेकेदार आए हुए हैं मनून के साथ, 15-15 महीना हो गया रेडी आए गो, इसने अब तक सेलेक्ट नहीं हुई इस तरह रेडियाँ, किसकी सेटिंग नहीं हो रही रेडी आने के साथ, भाई मैंने रेडियाँ मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं तो अपनी मर्जी की रेडी जाऊँगा जो मेरे कर्मचारी को पसंद होगी, मेरी हाथ पहन के विधायक जी से अनिल बी जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन है ऐसे आदमी की मेरे नगर निगम में जरूरत नहीं है जो हमारे समाज को बेच रहा है, इसकी यहाँ पे कहीं और भेजा जाए जिससे हमारे समाज का कोई अच्छा करके जाए, इसने जो बातें अर्थे से बल बताओ जी मेरे को ये बताओ, ये कहता है कोरोना का टेस्ट करा गया कहीं से कोरोना खत्म हो गया, आप मास्क ला रखा क्या, तेल साबुन बंद होगी था जी, 3 महीने पहले भी तेल साबुन खा गया हमारी, पिछले महीने के बिल तक पड़े हैं, बिला के अंदर भी सेटिंग कर रहा तेल साबुन की, सुनील दत्त को बुला के भाई ऐसी साबुन छोटी आनी चाहिए, अरे तू तेल साबुन ना दे क्यों सहन कर रहा हमारे पा, सरकार के कागज में कहेगा जी मैंने 1,00,000 रुपया वो कर दिया तेल साबुन दे दिया, 3 महीने की पहले तेल साबुन खा गया, अब उसके बिल रखे हुए हैं कि भाई कोरोना खत्म हो गया तेल साबुन बंद कर दी इनकी सफाई कर, बताओ ये कैसा न्याय है, ये गलत है, इसके वास्ते हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार करें मेरा कर्मचारी, मेरे को कोई भी कुर्बानी देनी पड़गी मैं सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार करूँ, जब तक हमारे को कोई अधिकारी बुलाएगा नहीं तो ये हमारा धरना जारी रहेगा।